सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा थोड़ा इसलिए अहम है क्योंकि इस मुद्दे के पीछे एक व्यवस्था जुड़ी हुई है और व्यवस्था ऐसी जुड़ी हुई है जिस व्यवस्था से लगभग लगभग देश क्या दुनिया के सभी लोग जुड़े हुए हैं। व्यवस्था यह है कि रविवार का साप्ताहिक अवकाश, और ये केवल के भारत में ही नहीं, ये व्यवस्था विदेशों में भी लागू है। और अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले व्यवस्था विदेशों में ही लागू की गई थी, उसके बाद भारत में भी व्यवस्था लागू की गई 1853 के लगभग। और इस व्यवस्था के चलते जो लोग काम करते हैं उनके लिए साप्ताहिक में रविवार को साप्ताहिक अवकाश देकर उनको रिचार्ज करना, यानी उनको यानी आराम देने की व्यवस्था देश में लागू की गई। और तब से अधिकांश सरकारी कार्यालयों में, चाहे वो निजी कार्यालय हो चाहे सरकारी कार्यालय हो, मेडिकल क्षेत्र छोड़कर, कि मेडिकल क्षेत्र में कभी भी मरीज जा सकता है, कभी भी वहाँ पर दिक्कतें पड़ सकती हैं, और चूंकि वो सुविधा ऐसी है जिसकी सीधा जुड़ाव आम जनता के जीवन से, इसलिए वहाँ पर ये सुविधा में थोड़ा सा अंतर रहता है। पर जो भी मेडिकल को छोड़कर, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे बैंकों की बात हो, और चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो निजी हो, वहाँ पर छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है। स्कूलों की बात करें तो वहाँ भी अवकाश रहता है। पर एक अलग ही व्यवस्था इस समय जो जानकारी में आई है, वो जानकारी में आई है और ये लगातार चल रहा है कि झारखंड के लगभग 509 स्कूलों में, ये जानकारी, ये जो बात है मैं जो बता रहा हूँ ये सूत्रों के मुताबिक है, और इसको झारखंड सरकार ने स्वयं स्वीकारा है कि वहाँ पर हमारे स्कूलों में जो कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जो छुट्टी है, जो साप्ताहिक अवकाश है, वो रविवार की जगह जुमा यानी शुक्रवार को दिया जा रहा था, जिसमें झारखंड के लगभग 509 स्कूलों में ये व्यवस्था लगातार चल रही थी, खुद झारखंड सरकार ने स्वीकारा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो झारखंड का जामताड़ा जिला है, वहाँ पर स्थिति यह है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा स्कूलों में प्रधानाचार्यों पर दबाव बनाकर शुक्रवार को अवकाश करा लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी की ज़्यादा होने के चलते वहाँ पर शासन प्रशासन, देश की जो व्यवस्था है कि सभी स्कूलों में, सभी निजी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, वो व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। और ख़ास तौर से स्कूलों में वहाँ पर जो अवकाश है वो रविवार को ना देकर जुम्मे पर दिया जाता है, यानी शुक्रवार को दिया जाता है। और ये प्रयोग लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इसके साथ साथ और विषय जो विषय है वो और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि झारखंड के पड़ोसी राज्य यानी बिहार, बिहार का जो किशनगंज जिला है वहाँ पर भी स्थिति ये हुई, और झारखंड के पड़ोसी राज्य होने के चलते बिहार के किशनगंज जिले के 37 सरकारी स्कूलों में भी जुमे के दिन छुट्टी होने लगी और रविवार का जो साप्ताहिक अवकाश था वो ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो भी शुक्रवार को ख़त्म कर दी गई और रविवार को चालू की गई। ये व्यवस्था है जो बिहार का किशनगंज जिले के 37 जो है सरकारी स्कूलों की। और जब इस पर मामला उपजा, जब इस पर मीडिया के मामले में ने इसको उठाया, तब ये मामला को सरकारों ने स्वीकार भी किया और कहा कि जो प्रधानाचार्य हैं उन पर दबाव बनाकर एक अलग व्यवस्था के चलते एक नई व्यवस्था चलाई जा रही थी। उस नई व्यवस्था का नाम था कि हम रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी करेंगे, यानी अगर हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर मुस्लिमों की चलेगी और वो अपने हिसाब से, जो हमारे देश की व्यवस्था रही है कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, उस व्यवस्था को पलट देंगे। यहाँ तक कि बिहार के कटिहार जिलों में, कटिहार जो जिला है वहाँ पर
100 से अधिक स्कूलों पर जो अवकाश था वो रविवार की जगह शुक्रवार कर दिया गया, जिसके मानक के अनुसार किया गया। DIO को जानकारी है कि नहीं है, किसने इसका अवकाश की घोषणा की और सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। और ये व्यवस्था सबसे बड़ी बात है कि और कठिन जब हो जाती है जब इन व्यवस्थाओं के चलते वहाँ पर नियम कायदे भी अपने चलने लगते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर पाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो झारखंड का संताल जिला है वो लगातार बांग्लादेशी जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनकी एक वाजिब जगह बनता जा रहा है। 1961 से जो बांग्लादेश मुस्लिम घुसपैठिए थे वो लगातार झारखंड के संताल जिले को अपना गढ़ बना लिए हैं और वहाँ से लगातार आवागमन चलता रहता है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जाती है और जो व्यवस्थाएँ थी वो वहाँ पर खराब होती आ रही हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हम किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बना रहे हैं, ना मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी धर्म को निशाना बनाना है। पर मेरा मानना यह है कि जो व्यवस्था हमारे देश के संविधान के हिसाब से लागू की गई है, जो व्यवस्था हमारे देश की सरकार के हिसाब से लागू की गई है, जो व्यवस्था हमारे देश की और राज्य सरकारें लागू करती हैं, उस व्यवस्था में आप आमूल चमूल परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, उस व्यवस्था में आपने अपने आप से परिवर्तन कैसे कर लिया, उसमें व्यवस्था में आपने अपने अनुसार परिवर्तन कैसे कर लिया, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और मेरा प्रश्न सिर्फ इसी बात पर है, मैं यहाँ पर किसी धर्म को निशाना नहीं बना रहा हूँ और ना अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसी धर्म को मैं एक अलग तरीके से प्रदर्शित कर यानी दिखा रहा हूँ। पर मेरा मानना यह है कि जहाँ अगर आपकी आबादी बढ़ रही है तो वहाँ पर इस तरह के प्रयोग नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सरकार स्वीकार भी रही है झारखंड की, बिहार सरकार ने भी स्वीकारा, उसके बावजूद जो कार्रवाई है वो अब तक उतनी गंभीरता से नहीं की गई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये प्रयोग है वो लगातार खतरनाक होता जा रहा है। प्रयोग क्यों खतरनाक है इसका भी बता देता हूं कि 2 अप्रैल 2021 में बिहार के किशनगंज जिले में एक पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार की वहां के लोगों द्वारा मुस्लिम बहुल इलाके में वो कार्रवाई करने गए थे और वहां पर उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। यानी आप मुस्लिम बहुल इलाके में अगर कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो वहां पर भी आपकी कार्रवाई को लोग रोकेंगे और वहाँ पर अश्विनी कुमार की हत्या एक स्पष्ट उदाहरण है कि अगर आप वहाँ जाएंगे पूरी तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, पर्याप्त तो पुलिस बल के साथ नहीं जाएंगे तो इस तरह वहाँ पर आपको दिक्कतें होंगी। खैर एक अलग बात और आपको बताता हूँ कि असम के जो बिहार के जो किशनगंज इलाका है जिला है वहाँ पर भी मुस्लिम बहुल व्यवस्थाएँ होती जा रही हैं। हालाँकि जो इलाका है वो आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पर आदिवासी लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं और सरकार द्वारा जो ज़मीनें आदिवासियों के लिए आवंटित की गई थी, आदिवासियों के लिए दी गई थी, उन ज़मीनों पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों ने वहाँ पर स्थानीय नेताओं के समर्थन के माध्यम से कब्जा कर लिया और ये ज़मीनें बड़ी संख्या में दी गई। यानी जो हमारे आदिवासी वर्ग है जो कि विकास की मुख्य धारा से अलग है, जो आज भी विकास के लिए तरस रहा है, जो आज भी विकास की धारा में आना चाहता है, जो आज भी अपने जीवन शैली को बदलना चाहता है, जो आज भी भारत के विकास में कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता है, उस आदिवासी वर्ग की जहां की उस आदिवासी वर्ग की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल में ही आदिवासी वर्ग की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। उस आदिवासी वर्ग को बिहार के किशनगंज जिले में इस समय दोराहे पे खड़ा कर दिया गया है, उनकी जमीनों को कब्जा कर लिया गया है और प्रशासन अब तक सोया हुआ है और इसके लिए लगातार याचिका भी चल रही है। जुलाई 2011 से याचिका चल रही है, अभी भी याचिका डाली गई थी कि ये व्यवस्थाएं खत्म की जाए और वो जमीनें जो लोगों ने कब्जा कर ली है उसको मुस्लिम वर्ग से छुड़ाकर उन लोगों से छुड़ाकर वापस आदिवासी वर्ग को दिया जाए। पर अब तक केवल और केवल मामला वही है, धाक के तीन पात्र। यहां पर मैं किसी माध्यम से यह बताना नहीं चाह रहा हूं कि चीजें क्या है, मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक बार बताना चाह रहा हूं कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस राज्य का हम जिस देश के कानून पर हम भरोसा करते हैं, जिस देश की व्यवस्था पर हम यकीन करते हैं, जिस देश से संविधान के मुताबिक हमको हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं,
जिस देश के संविधान के मुताबिक हमारे मानवाधिकार हैं, उस देश का संविधान, उस देश का कानून भी हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। और हम जब सर्वोपरि के होने की बात करते हैं तो हम किस तरह साप्ताहिक अवकाश को अपने हिसाब से अवकाश में तब्दील करा लेते हैं, समस्या परे है। सरकार एक अलग तरह का वहाँ पर दृष्टिकोण रख रही है और जो प्रयोग वहाँ पर हो रहा है ये निश्चित रूप से एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग साबित होने वाला है। क्योंकि अगर हम इन व्यवस्थाओं को, इन विकृतियों को अभी नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं से अन्य जिले और अन्य राज्यों में भी प्रेरणा लेकर इस तरह की घटना है वो अंजाम दी जाएंगी और इस तरह के कृत्य हैं जो किए जाएंगे। देश आपका है और जितना देश में समान धर्मों को अधिकार प्राप्त हो, समान धर्मों के अधिकार के हिसाब से आपको तमाम ऐसी व्यवस्था सोचना पड़ेगा कि हमको ये नहीं करना है और हमको देश के संविधान के हिसाब से चलना है। क्योंकि अगर आप इन व्यवस्थाओं को देखेंगे तो मैंने आपको बताया 10 जून 1890 को ब्रिटिश शासन उस समय मौजूद था, उसने सबके लिए रविवार की छुट्टी की घोषणा की थी और तब से लगातार ये छुट्टी चली जा रही थी। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 1853 में एक संयुक्त रूप से जब ब्रिटेन में जो लोग काम करते थे, इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो लोग काम करते थे, जब वो थक जाते थे, उनकी थकान को दूर करने के लिए, उनको आराम देने के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था शुरू हुई थी 1853 में। उसी व्यवस्था के चलते जब 1890 में जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे तब ब्रिटिश शासन के द्वारा यहाँ के लोगों को आराम देने के लिए, एक साप्ताहिक अवकाश देने के लिए रविवार को साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था शुरू की गई थी और उसके बाद लगातार साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था लगातार चलती आ रही है। मैंने आपको बताया कि मेडिकल क्षेत्र छोड़ के सभी जगहों पर सरकारी अवकाश की व्यवस्था लागू है कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश होगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो निजी हो, चाहे शिक्षा हो, सभी जगह रविवार को अवकाश होता है और लगातार चला आ रहा है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भले ही ना हो, पर जिस तरह से अब वहां पर झारखंड और बिहार में स्थिति बन रही है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि अगर चिंता का विषय नहीं होता तो ये चीज समझ में आती कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग किस श्रेणी का है। क्योंकि आप जनसंख्या के आधार पर नियम कायदे नहीं बना सकते हैं। अगर कहीं की आबादी मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम जो है प्रयोग करें या मुस्लिम के हिसाब से आप कानून बनाएं। अगर कहीं पर हिंदू आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर हिंदू के हिसाब से वहाँ पर कानून बन जाए। हमारा देश एक है, हमारे देश का संविधान एक है, हमारे देश के कानून एक हैं और जिस कानूनों के हिसाब से हम पूरे देश में चल रहे हैं, जिस कानून के हिसाब से हम केंद्र के हिसाब से चल रहे हैं, जिन कानून के हिसाब से हम राज्यों में चल रहे हैं, वही कानून हर राज्य में लागू होना चाहिए। और इसकी सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन कानूनों को लागू होने में अगर कोई समस्या आती हो तो उन समस्याओं का निदान करना जरूरी है, संज्ञान लेना जरूरी है। मैं मानता हूँ हमारे देश में इस समय वोट बैंक की राजनीति अलग चल रही है, यहाँ पर तमाम तरह के तुष्टिकरण होते हैं, यहाँ तमाम तरह के वर्गों को लेकर राजनीति होती है, पर अगर राजनीति हो रही तो उस समय राजनीति में कहीं ना कहीं देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो कोई भी समस्या हो वो देश में खतरनाक प्रयोग ना बने, वो व्यवस्था आने वाले समय में किसी अन्य राज्य को ऐसी प्रेरणा ना दे दे जिससे हमारे उस राज्य में भी व्यवस्था खराब हो। क्योंकि अगर हम गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से चलते हैं तो हमारा एक प्रयोग ये भी होना चाहिए कि जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश के नियम कायदे हैं और जो हमारे देश की एक रूपरेखा है उसको हमको पालन करना है। हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है और जहाँ तक कि बड़े से बड़े मुद्दे का संविधान के हिसाब से ही निर्णय होता है। जैसा आपने देखा कि 498 साल पुराने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला विवाद था, वो भी संविधान यानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हल किया गया था और दोनों पक्षों में इसके लिए सहमति भी बनी थी। तो बड़े से बड़े विवाद यहाँ पर संविधान और कानून के माध्यम से होते हैं। तो जब हम कानून में यकीन करते हैं, जब हम संविधान में यकीन करते हैं, जब अपने मानवाधिकारों में यकीन करते हैं, जब अपने मौलिक अधिकारों में यकीन करते हैं, जब हम हमारे स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे पास मौजूद है, तो कहीं ना कहीं हमको देश के जो आचार विचार है, जो हमारे देश की व्यवस्था है, उस पर भी भरोसा करना चाहिए। हम कोई भी व्यवस्था अपने हिसाब से लागू नहीं कर सकते, अगर लागू हो रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी गलती है। मैं झारखंड सरकार, मैं बिहार सरकार और तमाम ऐसी जगह पर अगर इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं तो वहाँ पर इस पर आपको निर्णय लेना होगा, वहाँ पर आपको कठोर कदम उठाने होंगे। क्योंकि आप किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में केवल महज जनसंख्या के आधार पर नियम कायदे नहीं बना सकते। अगर आपको कायदे बनाने हैं तो धर्म, जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और देश में जो धर्म, सभी धर्मों को सम्मान
आदर प्राप्त है उसके हिसाब से कानून बनते हैं, और यहाँ पर किसी भी जगह पर किसी भी लोगों को, किन्हीं भी लोगों को, चाहे प्रधानाचार्य हो चाहे शिक्षक हो, उनको प्रभाव में लेकर उन पर दबाव डालकर अपने हिसाब से काम नहीं करा सकते, क्योंकि देश संविधान और कानून के हिसाब से चलता है, ना आपकी मनमर्जी से और ना ही आपकी व्यवस्थाओं से। तो अगर इन प्रयोगों को खतरनाक होने से रोकना है तो हमको इन व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ झारखंड और बिहार सरकार को इस तरफ त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चीज़ों को रोकना होगा और समझाना होगा कि हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा संविधान सर्वोपरि है, हमारा कानून सर्वोपरि है। जो व्यवस्था हम समय से लगातार अपनाते चले आ रहे हैं, हम उन व्यवस्थाओं पर आगे चलना है, क्योंकि हम जनसंख्या के आधार पर कानून नहीं बनाते हैं, हम व्यवस्थाओं के आधार पर कानून बनते हैं। और देश का जो संविधान है, जो कानून बनाता है, जो संशोधन करता है, उसमें अगर संशोधन होता है तो निश्चित रूप से हम उसको लागू कर सकते हैं। पापा अपने मन से लागू करना, दबाव में लागू करना, ये गलत है। तो आज की चर्चा में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। तब तक कि मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।